क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया अचानक से एक बार फिर ढेर हो गई। जी हां, दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। हालात ये हैं कि टीम इंडिया अपने ही देश में, अपनी धरती, अपनी पिच पर तेज गेंदबाजी के सामने आउट हो रही है। चौथे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरह से फेल हो गए और भारत को हार की तरफ धकेल दिया, जिसके बाद तो चार खिलाड़ियों को सीधे ही टीम से बाहर करने की मांग होने लगी है। तो क्या हुआ कानपुर में चौथे दिन सुबह सुबह? हालात कैसे अचानक हो गए खराब? कौन है विलन? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कानपुर टेस्ट में चौथे दिन सुबह सुबह टीम इंडिया ने जो शर्मनाक खेल दिखाया, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुआ। जी हाँ, भारतीय टीम के 50 रन पर 5 विकेट आउट हो गए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सुबह सुबह 50 रन पर 5 विकेट आउट हो गए। और हालात ये थे कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पर टीम इंडिया के खिलाड़ी तेज गेंदबाजी के आगे ढेर होते चले गए। जी हाँ, स्पिन के आगे नहीं बल्कि तेज गेंदबाजों ने भारत के विकेट लिए और एक नहीं बल्कि चार चार विलन यहां पर टीम इंडिया के लिए बन गए। ओपनर खिलाड़ी शुभमन गिल तो तीसरे दिन ही आउट हो चुके थे और चौथे दिन चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल से उम्मीद थी कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन पुजारा जैसे बल्लेबाजी नहीं करने की कसम खाकर आए हों। जेमिसन ने पुजारा को ढेर कर दिया और पुजारा सिर्फ 22 रन बना पाए। पुजारा से भी बड़े विलन साबित हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे। जी हां, रहाणे की हालत और भी खराब थी। एजाज पटेल की बॉल पर रहाणे LBW आउट हो गए और सिर्फ 4 रन ही बना पाए। इसके बाद मयंक अग्रवाल सिर्फ 17 रन बनाकर टीम सऊदी के शिकार हो गए। तो उसी ओवर में रविंद्र जडेजा भी सऊदी के शिकार बन गए। अब हालात ये रहे कि 20वें ओवर में भारतीय टीम के 51 रन पर 5 विकेट गिर गए और सबसे बड़ी हैरानी की बात यही थी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पर टीम इंडिया के बल्लेबाज तेज गेंदबाजी के आगे घुटने टेक रहे थे। 5 में से सिर्फ 1 विकेट स्पिनर एजाज पटेल ने लिया और बाकी के 4 विकेट टीम सऊदी और जेमिसन यानी कि तेज गेंदबाजों ने लिए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी लापरवाह बल्लेबाजी हुई है, कितनी घटिया बल्लेबाजी यहां पर की है। और इसीलिए तो अब रहाणे, पुजारा के साथ साथ मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल को भी टीम से बाहर करने की मांग होने लगी है, क्योंकि सभी ने लापरवाही के साथ बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को हार की तरफ धकेल दिया। तो ऐसे में अगर यहां पर से टीम इंडिया हारती है तो फिर तो बदलाव बेहद जरूरी है। तो आप क्या मानते हैं, कौन है इस मैच में टीम इंडिया के लिए विलन और क्या अब भी टीम इंडिया कानपुर टेस्ट मैच को जीत सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने पहली पारी में 345 रन बनाए तो लग रहा था कि कीवी टीम को 150 के आसपास ढेर कर देंगे और बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन हालात ये रहे कि कीवी टीम के दोनों ओपनर्स ने 150 रन बना दिए। जी हां, 150 रन के पार टीम पहुंच गई, कोई विकेट नहीं गिरा और ऐसा पिछले कई सालों में यहां पहली बार हुआ। जब अपने घर में टीम इंडिया की बुरी हालत हुई तो कीवी खिलाड़ी ही भारत के बल्लेबाजों के, भारत के खिलाड़ियों के मजे लेने लगे और कीवी ऑलराउंडर ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय टीम अब अपने घर में DRS लेने से ही बैन कर देगी। असल में कीवी ओपनर टॉम लेथम को पहली पारी में अंपायर ने 3 बार आउट दिया और हालात ये रहे कि तीनों ही बार टॉम लेथम ने DRS लिया और अपना विकेट तीनों ही बार बचा लिया। जी हां, 3 बार अंपायर ने टॉम लेथम को पवेलियन भेजा, लेकिन टॉम लेथम वापस आ गए और टॉम ने आसानी से अपना अर्धशतक भी लगा लिया। अब ये हालात देखकर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी निशाम ने कहा कि अगर टॉम लेथम यहाँ पर शतक बना लेते हैं तो फिर तो भारतीय टीम DRS को ही अपने देश में बैन कर सकती है, DRS लेने से इनकार कर सकती है। हालांकि इसके साथ जिमी निशाम ने इमोजी भी बनाई थी, यानी कि वो इसे मजाक में कह रहे थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से यहाँ पर सच साबित हो रही थी, क्योंकि कीवी खिलाड़ी, कीवी टीम भारतीय टीम के मजे ले रही थी और इसकी वजह भी थी भारत के स्टार खिलाड़ियों से, स्टार गेंदबाजों से सजी टीम इंडिया एक सिंगल विकेट तक नहीं पाई और थकी हुई हालत में गेंदबाजी करती रही। अब कंडीशन यह है कि कानपुर में अपने ही घर में टीम इंडिया की जीत की संभावना काफी दूर दिख रही है और अगर कंडीशन ऐसे ही आगे बढ़ी तो भारतीय टीम कानपुर में यह मुकाबला हार भी सकती है। जी हां, टीम इंडिया कानपुर में यह मुकाबला हार भी सकती है। कीवी ओपनर्स ने शानदार बैटिंग की है, दूसरी पारी में भी अगर भारत के बड़े बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं तो फिर टीम इंडिया अपने घर में कानपुर की स्पिन फ्रेंडली विकेट पर बड़ी और करारी हार भी झेल सकती है। तो आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया यहां से भी मैच जीत सकती है? क्या कीवी खिलाड़ियों का भारतीयों के खराब खेल पर मजा लेना ठीक है कि नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। अब भारत न्यूजीलैंड की सीरीज से टीम इंडिया में राहुल द्रविड़ युग की शुरुआत हुई है। राहुल द्रविड़ ने पहले T20 सीरीज में कोचिंग की और अब टेस्ट सीरीज में पहली बार टीम इंडिया के हेड कोच बने।
राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया का कोच बनते ही वो सारे बेकार और खोखले नियम कायदे हटा दिए हैं जिनसे टीम इंडिया को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा था। और सीनियर्स के सम्मान का जो कंगारू प्लान लागू किया है वो कमाल का है, जिसकी हर तरफ चारों तरफ तारीफ ही हो रही है। असल में कानपुर टेस्ट में श्रेयस अय्यर को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला और अय्यर को टेस्ट कैप महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने दी। और इस दौरान सुनील गावस्कर ने कुछ बातें भी अय्यर को समझाई और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने कैप को चूमा और पहन लिया। अब कभी भी किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट कैप या फिर कोई भी और कैप दी जाती है तो उसके लिए ऐसे ही सेरेमनी आयोजित की जाती है, मगर यहाँ पर खास था पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर का होना। जी हाँ, अब तक रवि शास्त्री के दौर में किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट, वनडे या फिर T20 कैप दी जाती थी तो टीम के ही कप्तान या फिर किसी कोच की तरफ से उन्हें कैप दी जाती थी। और रवि शास्त्री के हेड कोच रहते, विराट कोहली के कप्तान रहते, टीम इंडिया में यही कल्चर लागू था। टीम के कोच और कप्तान को सबसे ऊपर माना जाता था और पूर्व खिलाड़ियों या फिर सीनियर्स को, महान खिलाड़ियों को टीम के आसपास आने ही नहीं दिया जाता था, मगर यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने आते ही सब कुछ बदल दिया। पहले T20 सीरीज में जब हर्षाल पटेल को कैप दी गई तो दिग्गज गेंदबाज अजीत अगरकर से हर्षाल को कैप दिलवाई गई और यहां पर श्रेयस अय्यर को सुनील गावस्कर ने टेस्ट कैप दिलवाई ताकि उन्हें हमेशा ये मोमेंट याद रहे और हमेशा के लिए श्रेयस अय्यर मोटिवेट होते रहे, नए खिलाड़ी मोटिवेट होते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम में हमेशा से यही कल्चर लागू है, वहां के पूर्व खिलाड़ी ही नए खिलाड़ियों को कैप देते हैं। शेन वॉन, मार्क वॉ, स्टीव और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गज नए खिलाड़ियों को कैप देते हैं और यही कंगारू प्लान अब राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम में भी लागू कर दिया है। श्रेयस अय्यर का कहना है कि ये मौका मेरे लिए बेहद खास था और सुनील गावस्कर सर से कैप मिलना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। श्रेयस ने यह भी कहा कि राहुल द्रविड़ सर के स्टाइल के वो खासे मुरीद हो गए हैं और राहुल सर को पहले से ही यहाँ पर होना चाहिए था। खुद सुनील गावस्कर ने भी राहुल द्रविड़ की तारीफ की है और कहा कि सीनियर खिलाड़ियों से कैप दिलवाना बेहतरीन आइडिया है और इससे नए खिलाड़ियों को सीनियर्स का सम्मान करना आएगा और वो बदतमीजी से बाहर आते हैं और हमेशा ही एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और इसमें बदतमीजी नहीं बल्कि सीनियर्स का सम्मान होना चाहिए। गावस्कर ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की तर्ज पर यह फैसला शानदार है और राहुल द्रविड़ से पहले भी इस फैसले को लागू किया जाना चाहिए था। यानी कि कुल मिलाकर राहुल द्रविड़ छोटी छोटी बातों को, चीजों को बदल रहे हैं, मगर ये बेहद जरूरी है जो कि टीम इंडिया के लिए, खिलाड़ियों के फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। और खुद राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि उनके नए खिलाड़ी अनुशासित रहें, सीनियर्स का सम्मान करना सीखें और टीम में बदतमीजी का कल्चर बिल्कुल भी ना रहे। तो आपका राहुल द्रविड़ के इस खास कंगारू प्लान और अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।